हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने फिर दोबारा एक पॉइंट लेके आया। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका बारे में हम लोगों का उतना नॉलेज नहीं है। हम लोगों का लापरवाही के कारण से ये हम लोग खराब कर देती हो, वो है मेरा होठ। हम लोगों का जो ये होठ है, इसको कैसे संभाल के रखना है, इसको कैसे सेव रखना है, ये हम लोगों का नॉलेज में नहीं है। जैसे जब बचपन में हमारा होठ रहता है बहुत अच्छा सुंदर देखने में लगता है, गुलाबी कलर का, लेकिन धीरे 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 जब हम बड़ा होते जाती हूँ, मैच्योर होते जाती हूँ, धीरे धीरे हमारा लापरवाही उसी में ऊपर शुरू हो जाता है। हम लोग क्या करती हूँ, लिपस्टिक यूज़ करना शुरू कर देती हूँ। जब लिपस्टिक जब शुरू करती हूँ तो क्या होता है, होठ को कलर को साथ मैच करके लिपस्टिक लगाती हूँ। धीरे धीरे जब ये कलर चेंज होते जाता है, होठ का सेल डैमेज होते जाता है, हम लोग का पता नहीं चलता है कि ये लिपस्टिक का कारण से हो रहा है, लेकिन हम लोग उसी टाइम लिपस्टिक चेंज करती हूँ। लिपस्टिक पहले गुलाबी कलर का लगाती हूँ, जब होठ ब्लैक होना शुरू हो जाता है उसी टाइम रेड लगाना शुरू कर देती हूँ, उसके बाद ब्राउन करना शुरू कर देती हूँ। हमने तो एक बार ब्लैक भी यूज़ किया, क्योंकि मेरा होठ इतना काला हो गया था जो वो हमको यूज़ करना पड़ा, क्योंकि लिपस्टिक का जब एक बार आदत पड़ जाता है लिपस्टिक छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो हो गया लेडीज़ का बात, लेकिन बॉयज लोग क्या करते हैं, जब उन लोग सिगरेट पीना शुरू कर देता है उसी के बाद उन लोगों का होठों का वो सेल डैमेज होना शुरू हो जाता है, होठ काला होना शुरू हो जाता है। तो आज हम एक बेहतरीन चीज़ देखाएंगे जिससे हम ये हमारा होठ को सेव कर सकती हूँ। तो वो कैसे सेव कर सकती हूँ, पहले तो हम एक डेमो देखाएंगे ये लेडीज़ लोग जो हम लिपस्टिक यूज़ करती हूँ इसका कैसे नुकसान करता है हमारा होठ, तो उसको हम कैसे बचाएंगे, लिपस्टिक भी हम यूज़ करेंगे और होठ को भी बचाएंगे कैसे, वही आज हम दिखाएंगे एक डेमो का माध्यम से। हमने एक लिपस्टिक लिया, एक्चुअली हमने कोई कंपनी को शो नहीं करना चाहती हूँ, हमने जस्ट दिखाना चाहती हूँ जी हमारा ये लिपस्टिक का कारण से होठ कैसे बिगड़ते जाता है। क्योंकि कोई कोई कंपनी बोलता है जी हमारा लिपस्टिक लगाने के बाद 24 घंटा इसको कलर रहता है, तो ये जितना टाइम हमारा होठों में स्टेबल हो जाता है उतना ही हमारा नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने ये पहले ये लिपस्टिक को फर्स्ट देखेंगे, एक गोल्ड को साथ हम इसको घिसेंगे, अगर ये रिएक्शन होगा तो ये कलर चेंज हो जाएगा। ये जो देख रहा है कलर चेंज हो जाएगा। एक्चुअली ये जो लिपस्टिक है, लिपस्टिक में लेड रहता है, ये जो केमिकल है ये बहुत ही खतरनाक केमिकल है जो हमारा होठों को सेल को इतना बड़ी तरह से डैमेज करता है जो हम लोगों का ठीक से पता भी नहीं चलता है। अभी इसी का ऊपर हमने सोने से घिसेंगे। ठीक है, ये है एक सोने का अंगूठी, इसे हम इसको घिसेंगे। तो ये घिसने के बाद देखा जाएगा, अगर इसको केमिकल के साथ इसको रिएक्शन होगा तो धीरे धीरे ये काला होता जाएगा। देखिए ये धीरे धीरे काला होते जा रहा है। एक्चुअली ये जो लिपस्टिक है, लेड बगैर लिपस्टिक बनता नहीं है, और यही हमारा होठ को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर देता है। ये देखिए, देख रहे हैं कैसे काला हो गया। हम दोबारा इसको लिपस्टिक को हम दिखा रहे हैं जो लिपस्टिक का एक्चुअली कलर क्या था। ये देखिए दोनों में डिफरेंस। लिपस्टिक कैसे रिएक्ट करता है हमारा होठों में, हमारा होठ का कलर कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसे बचने के लिए हमारा पास एक सॉल्यूशन है, वो है ये फॉरएवर का एलो लिप्स। ये जो फॉरएवर का एलो लिप्स, एक्चुअली हमारा होठ जब सूख जाता है व फट जाता है उसी टाइम हम पेट्रोलियम जेली यूज़ करती हूँ। तो पेट्रोलियम जेली में क्या होता है, पहले वो हमारा जो होठ का स्किन है, स्किन का जो पोर्स है वो पोर्स को ये ब्लॉक कर देता है। तो पोर्स जब ब्लॉक हो जाता है तो हमारा स्किन ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाता है। जब स्किन ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाता है तब क्या होता है, धीरे धीरे वो स्किन का जो सेल है वो सेल डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो एलो लीफ है, इसमें तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है। तो ये तीन चीज़ में फर्स्ट तो दिया हुआ है स्टेबलाइज्ड एलोवेरा,
बारबाडेंस स्टेबलाइज्ड एलोवेरा। एक्चुअली हम बारबाडेंस इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि जो एलोवेरा का 400 वैरायटी है उसमें बेस्ट वैरायटी है बारबाडेंस एलोवेरा, ठीक है। तो वो बारबाडेंस एलोवेरा को स्टेबलाइज करके इसमें डाला हुआ है। उसको बाद आ रहा है जोजोबा ऑयल। तो जोजोबा ऑयल क्या होता है, वो नेचुरल कॉस्मेटिक गुण होता है। तो ये जो नेचुरल कॉस्मेटिक गुण होता है जोजोबा ऑयल में, वो हमारा फोटो को मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। उसको बाद आ रहा है वीवैक्स। वीवैक्स एक मधुमक्खी का, मधुमक्खी का जो छत्ता है उसी का छत्ते से प्रोसेस करके वो मोम लिया हुआ है। एक्चुअली मधुमक्खी अपना छत्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टर बनाता है। जो मोम से ये प्रोटेक्टर बनाता है, तो वो मोम क्या होता है, वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल रहता है, जो हमारा होट को फ्री रेडिकल से वो बचाता है, ठीक है। यही होता है। और जोजोबा ऑयल में क्या होता है, जोजोबा ऑयल में हमारा शरीर से जो सीबम रिलीज होता है, जो केमिकल रिलीज होता है, तो वो केमिकल क्या करता है, हमारा शरीर में, शरीर को जो स्किन है उस स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, धीरे 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 एज बढ़ने के बाद वो केमिकल रिलीज होना घट जाता है एज को साथ साथ। और ये जोजोबा ऑयल में एक इंग्रेडिएंट है जो है एमोलिएंट। ये जो एमोलिएंट है, एमोलिएंट सीबम के साथ बहुत मैच करता है। तो ये बाद में अगर हमारा शरीर में जब सीबम रिलीज कम हो जाता है, तो अगर हम जोजोबा ऑयल यूज़ करेंगे तो ये हमारा उसको मेंटेन करके रखता है, जो हमारा सीबम मेंटेन करके रखता था। ये है जोजोबा ऑयल का बेनिफिट। इसका बगैर भी बहुत कुछ जोजोबा ऑयल में है, ठीक है। तो ये हमारा एलो लिप का बेनिफिट। अगर हम लिपस्टिक जब यूज़ करना शुरू कर देती हो तो हम छोड़ने का सवाल ही नहीं है, वो तो हम कंटिन्यू यूज़ ही करेंगे। तो उससे साथ हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब हम लिपस्टिक यूज़ करेंगे उसको पहले हम इसको अप्लाई करेंगे, नहीं तो रात में अप्लाई करके सो जाएंगे, ठीक है। रात भर ये अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये जो स्टेबलाइज एलोवेरा है, तो स्टेबलाइज एलोवेरा क्या करता है, वो हमारा होट को, जो स्किन है, स्किन को जो डेथ हो गया उसको रिमूव कर देता है, जो डैमेज हो गया उसको रिपेयर करता है, रिपेयर करने के बाद उसको रिटेन करता है, रीजेनरेट कर देता है। यही है एलोवेरा का फंक्शन, ठीक है। ऐसे हमारा ये होट को बचाता है। ये सिर्फ मेरा होट के लिए नहीं है, इसका मल्टी फंक्शन है। ये जितना यूज़ करेंगे इसका बारे में, हम जितना बोलेंगे उतना ही कम हो जाता है। क्योंकि मल्टी फंक्शन इसीलिए बोल रहा है क्योंकि ये हमेशा, जब से हमने इसका यूज़ शुरू किया तो हमने इसका ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। कोई जगह घाव हो गया लगा दिया, कोई जगह जल गया लगा दिया, तो देख रहा है तुरंत तो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। जो घाव हो गया धीरे धीरे सूख जाता है, जो जल गया धीरे धीरे, पहले तो तुरंत तो जलना बंद कर देता है, धीरे धीरे स्किन भी ठीक कर देता है। तो इसमें क्या है, मल्टी फंक्शन इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि कोई इंसेक्ट बाइट किया, कट दिया, उसमें भी आप लगा सकते हैं। कोई जलन हो रहा है उसमें भी लगा सकते हैं। स्किन में कोई भी इरिटेशन हो रहा है तो आप ये यूज़ कर सकता है। हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि सब नेचुरल सोर्स है, इसको बना हुआ है, सब नेचुरल सोर्स है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसका बगैर भी अगर आपका गाल में अंदर घाव हो गया, आप गाल में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये पेट में चला जाएगा भी कोई रिस्क नहीं है। अगर पेट में चला जाएगा भी वो अपना काम करेगा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिसका आईब्रो कम है वो रात में इसको लगा के आईब्रो भी ग्रोथ होता है, जिसका आईलेस कम है वो आईलेस भी ग्रोथ होता है, ठीक है। ये है इसका फंक्शन, ओके। आज इतना तक ही। अगर ये आप लोगों का अच्छा लगा तो हम नहीं बोलेंगे लाइक करिए, ये आपका मर्जी है। हम नहीं बोलेंगे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका मर्जी है। हम कोई ब्लॉगर नहीं है, हम कोई यूट्यूबर नहीं है। एक्चुअली ये जो चीज़ है, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारा फैमिली यूज़ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इंडियन का आदमी नहीं यूज़ कर रहा है, ये वर्ल्ड में 170 प्लस देश में ये छोटा चीज़ घूम रहा है। इसका बेनिफिट 170 प्लस देश का आदमी को पता है, इसलिए हम आज ये वीडियो बना रही हूँ। शायद आपका बीच में कोई इसका पता नहीं है, उसको पास ये वीडियो आप शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम लाइक व सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहे हो, हम शेयर करने के लिए बोल रहे हो। इसलिए शेयर करने के लिए बोल रहे हो क्योंकि हमारा जैसे ये बेनिफिट दे रहा है, हम चाहती हूँ मेरा जैसे अनजान आदमी को भी पास ये पहुँच जाए, ठीक है। यही हमारा छोटा सा वीडियो, ओके। आज इतना तक ही। अपना केयर रखिए,
फिर कोविड सेकेंड फेज शुरू हो गया, घबराइए मत, उसमें भी सब रिकवर हो रहा है। अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।